आप और सच्चे मन से उस आलू को लेकर आप निकले, जब रास्ते में जा रहे हो कहीं पे भी गाय माता मिल जाए उस गाय माता को खिलाना, ठीक है। और कोई लफड़ा नहीं, गाय माता को बोलना, माँ मेरी ये तकलीफ है, ये समस्या है, ये सॉल्व करो, ऑटोमेटिक सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आपको डेली रूटीन नहीं छोड़ना है, आलू डेली खिलाना आपको। दुकान पे जाता हो, चाहे यात्रा पे जाता हो, चाहे कोई काम पे जाते हो, चाहे सगाई सगपण के काम पे जाते हो, कोई भी काम पे जाते हो, आप एक आलू गाय माता को खिला के जाओ, फिर देखो आप ट्राई तो करके देखो। हम तो क्या करते पता है, एक बात का ध्यान रखना, 7 दिन से ऊपर कोई भी चीज अगर एक जगह पड़ी रह जाती है ना बंद, तो उसमें नेगेटिविटी आती है। और मेरी बात पे विश्वास नहीं था, 7 दिन अपने कमरे को बंद रखना, ताला देके झाड़ू वाड़ू कुछ में निकालना, 8वें दिन उसमें सोना, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। अब ट्राई तो कर दो, मार वाड़ू पास आवो, और अगर 5-7 दिन 10-15 दिन बंद रहे आओ तो नींद आऊ कमरा में आवे ही कौन महाराज। कारण क्या है कि नेगेटिविटी आ गई। तो माता बहनों ये आपके ऊपर भी लागू पड़ता है, अट्टी तो ठीक मामला ठीक है। 7 दिन तक कोई भी ड्रेस पड़ी ना रखे, पहन ले उसको, कैडी कहीं करे ठूस ठूस, आदमी तो रखी कौन बाबड़ा, ये तो नहीं रखे, राखी कौन नहीं रखे सब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर नवी ड्रेस मिल ही नहीं सके, क्योंकि आप काले माते भरोसो करो ही कौन, एक आटा किन वास्ते रखे राम जाने। जिन दिन ऊंदरा दिमाग खराब रही हो नहीं पूरी बाट दी, हां कटमा घुसगुन भूल में वो हैंग डिजाइन कर दे तुझे, अरे मत रखो। और आपने मेरी बात में विश्वास नहीं है, आप 7 दिन ड्रेस ने पैक कर रख जो, तालो दिन रख जो, 8वें दिन पैर जो, तो अगर 2-3 घंटों ज्यादा पैर दो तो बुखार आ जाए। आप ट्राई तो कर दो, और कई ये सच में ये बनावटी बातें नहीं है, आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके हित की बात कर रहा हूँ। कई लोगों को इसमें मजा ही लग रहा है, एंजॉय लगता है, अरे भाई हमने कहीं पढ़ा है, और शास्त्र में लिखी हुई चीज गलत नहीं हो सकती, और आप तो पढ़ो ही को नहीं, यूं थोड़ी रहे, यूं थोड़ी रहे, अरे होता है भाई, कैसे नहीं होता है कोई भी चीज की। वो तो बेता पानी निर्मला, इन श्लोक ने सुनो तो अपने दिमाग में आ जाए, बेता पानी निर्मला पढ़िया गंदेला हो साधु तो रमता भला दागा लागे ना। कोई भी चीज, अब आपकी कार ले लो 15-20 दिन महीना 2 महीना पड़ी रखो, पे करेक नहीं खड़ 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 पे क्या वेगी वेगी रे वेगी, अने रोज चालू करो तो एक सेकंड में चालू हो गई। तो ये चीज हमारे ऊपर भी, आप भी ऐसे करो ना, आप ऐसे करो, 7 दिन एक कमरे में बंद रह के देखो, बीमार हो जाओगे। सारी सुविधाओं से लेस है कमरा, फिर भी आप बाहर नहीं निकल रहे हो, कुदरत से नहीं जुड़ रहे हो, तो आप बीमार हो जाओगे। चलो हम गुरु जी की वंदना कर देते हैं, गुरु महाराज को प्रार्थना करते हैं, ज्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि कुछ समय की कुछ पाबंदियां होती है। मैं एक भजन और गा लेता हूँ, किधर यार दूर है, आज तो मेरा टावर भी नहीं आ रहा बराबर क्योंकि हाँ सर नहीं गला काम नहीं कर रहा, मेरी ओरिजिनल आवाज आपको तक नहीं पहुँच रही है ना, मतलब जुकाम लग गया है बहुत ही, तो भी मैंने तो विश्वास भी गा सकूला, हिम्मत तो करी हूँ, कोई बात नहीं भगवान साथ देंगे, मुझे विश्वास था कि 2-4 भजन तो गाई सकूं मैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सेठ जी का प्रेम था, इन्होंने पता नहीं कितने वर्षों तक हमारा इंतजार किया, मैं तो पता ही नहीं आज बताया कितने वर्षों तक, मैं जानता नहीं हूँ, पर इनके वर्षों का इंतजार था वो आज खत्म हुआ। महाराज एक ध्यान रखना, कौन कहता भगवान नहीं आते, कौन कहते भगवान नहीं आते, आना पड़ता है। मैं 9 साल का था, माता जी के दर्शन किए थे, आई माता के बेल के भी दर्शन किए थे महाराज। उस टाइम में मेरे मन में एक भावना प्रकट हुई कि क्या माता जी की बेल हमारे वहाँ पे पधार सकते हैं, 40 साल पहले की बात है। और आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, 40 साल बाद में वो अभी मेरा सपना पूरा हो गया, माता जी पधार गए और बड़े धूमधाम से पधारे माता जी की बेल, और बड़े आनंद से, वो भी 400 फुट हाइट पे पहाड़ पे महाराज, माँ और क्या बोलो दुर्गा जी, माता जी ने काम, ये माता जी का आशीर्वाद है, कौन कहते नहीं सुनते, सुनते हैं महाराज। आप ट्राई करते रहो ना,
मैं जट ही जाता हूँ माता जी ने प्रार्थना करना तो माता जी मोरित आवो मोरित तो पधारो मोरित आवोला मोरित आवो बस आप ही नंबर लिया था मैंने ट्राई करी मैं कि ट्राई तो करने में कहीं जावे तो जो समय मांगा था हमारे मुताबिक वो बोला कि महाराज एक बात बोलूं कि एक इस दिन मुर्गन खाली है आगे खाली को नहीं ना तो अब पहले है न बाद में और जो दिन हमें चाहिए था वही दिन खाली मिला महाराज ये माता जी का चमत्कार था इसलिए आप है ट्राई मत छोड़िए गीता के दूसरे अध्याय में क्या बोला अभ्यास आप रोज ट्राई करते रहिए रोज ट्राई करते रहिए भगवान आवेला भले सत गुरुदेव की भले गौ मात की सतगुरु मारा सिर धनी मैं संतन को दास मेहर माँ पर हे मारा हृदय में कर जो प्रकाश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म दशमेश गुरुवे नमः ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारम व्याप्तयेन चराचरम तत्त्वं दर्शितम् येन दशमे श्री गुरुवे नमः तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या तर्विणव तमेव तमेव सर्वम देव एकम नितम विमल चलम सर्वति साक्षी भूतम भवतीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि प्रभु देव तम नमामि चलो गुरुदेव पधारे हैं शिष्य बड़े भाव के साथ में गुरु महाराज को प्रार्थना कर रहे हैं देखो ये भजन सबको आता है सबको गाना है भाई आवेग नहीं है तो ही गावना ताली बजानी एक बात रो ध्यान रख जो कभी भी डॉक्टर साहब को नहीं जाए पूछना कि डॉक्टर साहब आम मरीज तो थोड़ा घने ही आवे पर ताली बजाने वाला कितना आवे तो डॉक्टर साहब खुद ही मना करे भाई बहुत कम आते हैं पता है ताली बजाने से एक्यूप्रेशर एक्टिव होता है और इसी हथेली के अंदर पूरी हमारी बॉडी का जो बैलेंसिंग होता ना पूरा यहाँ पे पूरा अगर पता चल जा हाथ जा हस्तिनापुर नगरी मानक चौक लागियो माई पांचों उंगली धारा पांचों पांडव कृष्ण कला करते भाई ये वाणी लिखी लिखवा राम जी महाराज ने कि बिना भेद बारे कहीं डोले बारे डोले है कहीं तीर्थ करे तो अठे बताऊ देवता दर्शे धारी देखे माई उठ सवारे परख पगतली रतन पदार्थ है माई कुड़ा चटे गिरनाथ बरादे क्षीर सुमद कड़िया माई है महाराज कितने कितने गहरे पद लिखे लिखवा राम जी महाराज ने अगर वो समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए महाराज चलो तो गुरुजी पधारे हैं शिष्य मांग क्या रहा है क्या कह रहा है कहे गुरुदेव मारा जीवन रो कल्याण होना चाहिए पर पहले बात तो संत आते कहाँ पे कहाँ पधारते संत महात्मा आप सबको गाना है देखो हरम मत कर जो कई लोग मन के महाराज उस हाथ कर जय बोलो तो मिनक मन कही कही मैं गाऊ तो मिनक मन कही कही मैं नाचू तो मिनक मन कही कही एक बात कहूं थोड़ा मन रो वहम निकाल दो मिनक थोने सोगा किया इज कर दिया था वो तो थोड़ा वहम है मजाक नहीं कर रहा हूं मन ही कटे सो को क्या पण मने पहला ठाप उड़ गई के मां जी की तो बढ़िया गाऊ के तो लास्ट में क्या लकड़ तो मैं जोड़ू बराबर ठाप पड़ गई पहले ही इन वाजे गुरुजी क्यों ये लपड़ा राग से मंदी इधर आप भजन टूट जाला बेटा तो यार दुनिया पूरी रूटे तो रूटन दीजो वो नहीं रूटनो जय भगवान के तो ही बढ़िया टेंट लगाई जो के तो ही बढ़िया लास्ट में पूछ जो भोजन की तो ही बढ़िया
लास्ट में पूछो भाई साहब प्रसाद की कृपा बनियो क्या सब रेडी है पुड़िया कड़ी गणी नाक भूस तो पूछ तो 1.5 किलो खाई गो अब गाय कुन नोरियो धापियो पछे के पुड़िया कड़ी गणी हे भला आदमी इतो तो बोल जा तो भाई प्रसाद बहुत अच्छो बनियो इतो बोल जा तो भाई 20 साल री मेहनत थारी थाली में कोई लायो है इतो बोल दो भाई और ऐसा मत बोलो कहीं भोजन करने के लिए जाओ ना तो अन्य भावे कोई जरूरी नहीं है हो सकता है आपको जो पसंद नहीं है अरे महाराज अपो न करे करो नहीं तो झोपड़ पट्टी वाला ले जान दी दो रहा ना तो महाराज वे चीजों क्वालिटी नहीं देखे अब ले जान दी दो ना दोनों हाथों खाने स्टार्ट कर दे कारण कि उनको भूख लगी है ना अपन भूख को नहीं जो न खरा करो ये तो ही बढ़िया घर बनाए पूछो भाई साहब घर की घर बनियो थोड़ा हित सी नहीं जो कहीं कही क्या बढ़िया 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 मैं खुश हूँ अंजी मैं फालतू रू री वो कटे बलन आयो आप रो कटी जानो वो डायरेक्ट कही के अरे भाई सब रेडी अपन नाल हाकड़ी कड़ी नाल में तार बिसाणो ने कड़ो 20 साल लगा मकान बनाओ तो बेटे रे बाप यूं कोई नाक बड़े है मोटोई ये प्रॉब्लम है मतलब आप दुनिया को शास्त्र कहता जितना समय अपनों को मनाने में लगाते हो ना उतना मनन करने में लगा दो आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा परमात्मा के देखो साधक बनो बाधक मत बनो साधक बनिए बाधक नहीं बनना है कोई परमात्मा का भजन कर रहा है ना थोड़ू मर्जी रहे तो बिना गुणगान गावो नहीं तो इतू कह सको कि नहीं यार बहुत अच्छो गावे बहुत अच्छो गावे बराबर नहीं यूनिक कहो कि गावनी नहीं आवे कदी कदी साइकिल वालों ही रहे ना जब कर्म बदली खावे ना तो फॉर्चुनर लेन हम मेला ला ध्यान रख जाए कर्मों की गति नियारी भाई ध्यान रख रहा पर हमने देखा है हमारी आंखों से देखा है जिसके घर में खाने के लाले पड़ते थे महाराज खाने के दाने नहीं थे आज वो करोड़ों में खेल रहे और जिनके घर में आगे 10-10 गाड़ियां खड़ी रहती थी आज बट झाड़ू काटने वाला कोई को नहीं ये समय का खेल निराला भाई समय के आगे झुकना पड़े चाहे कितना बड़ा बलवाना समय का खेल बड़ा निराला महाराज वो झुकाता तो पल में झुका देता है और आनंद देता है तो पल में दे देता है चलो भगवान की भक्ति में जाते हैं गुरु महाराज पधारे और आप लोगों को आनंद लेना है खुशियां बांटनी है चेहरे पे थोड़ा मुंड थोड़ा हस्तोड़ो रखना तो ताकि पड़ोसी नहीं भी लगे कोई खतरा तो नहीं है हाँ नहीं सही बात है भाई तो पड़ोसी अगर बढ़िया मिल गए ना तो जीवन सफल रह जाएगा महाराज चाहे दुकान रहो चाहे घर रहो चाहे खेत रहो चाहे यात्रा करो जो यात्रा करो जो ट्रेन में कोई है बढ़िया पड़ोसी मिल गए तो अरे कृष्ण मारवाड़ कहीं अभी ठाई नहीं पड़े है ना खड़ोस मिल गए ना राम 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 भूल में कोई अड़गो रहे तो कहीं ओए डोंट टच मी तेरी भली रे व्रत तेरी ये तो डर लगे विनु गानी भड़क जा लकड़ी क्योंकि एक ध्यान रख जो आलो पूड़ो रहे नहीं घास रो इन्हें कितनी तुड़िया बाड़ो बाय दिन नहीं लगे अने हड़ियोड़ो पूड़ो भूल में बीड़ी रो तूंगियो पुड़गो रहे नहीं महाराज वो तो एकदम लाणो पकड़े तो भेगो गुस्सा आवे वो हड़ियोड़ो पूड़ो विनु दिमाग हड़ियोड़ो ही है मजाक नहीं कर रहा हूँ जिसका सड़ा हुआ दिमाग होता नहीं एक सेकंड में लाल पीड़ो रह जाए और गहरो रहे नहीं मुंडा के कितनी गाले बोले वो तो रोटी आने दे रहे वो बोलते रहे बुलंद मैंने लगी भूख मैंने कई लोगों को देखा है कि यार तुझे इतना खराब बोले अरे वो बोले यार अपने को लगी भूख अपने पहले पेट पूजा पे देव तुझे पे देख बाद में वो तो क्या मैंने कई लोगों मैंने देखा 15 साल कटे बोलीज गोगे पहला वो हाल तक ही लियो फिरे क्या पंच बेड़ा करो मैंने यू बोल गो 15 साल खोपड़ी लियो फिरे इतना तो 15 साल इतना भजन भगवान भजन किधर रहता ना तो शायद परमात्मा तेरे पास में आ जाते अरे हम तो पल जीते साहब कल नहीं जीते अब कल के ऊपर भरोसा नहीं करते कल की बात कल गई यार कल बोला था ना आज क्या है वो नया क्या है क्योंकि नया सूरज उगो बस होना रो हुरु जुगी कल पितल रो तो नया उगा भाई नई शुरुआत करो ना जब नया उगी गया तो नई शुरुआत कर दो भाई नहीं जैन धर्म में एक त्यौहार मनाया जाता है मिच्छामी दुकड़म 12 महीने रमाने सारी भूल चुक माप सारे भाई भाई लड़ी जुड़े तो ही बोल जावे देरानी जेठानी लड़ी जी तो ही बोल जावे बाप बेटा रे बीच में कोई झगड़ो रियो रहे तो ही बोल जावे किने हगा किने तो बीच में झगड़ो रियो रहे तो ही वे उन दिन क्षमा कर दे चलो यार 12 महीने की पहले की बात है आज हम क्षमा करते हैं उनके गुरु का आदेश है कि 12 महीने में एक दूसरे की गलती को क्षमा करके आगे की जिंदगी जीने की कोशिश करें घना टाइम लीदो कोई काम नहीं है बोले सतगुरु देव की जय हो चलो आनंद लेते हैं दुनिया क्या कहेगी उससे कोई लेन देन नहीं है बोले राधे श्याम की जय हो ए भाग जाने अरे संतरे पोगड़ा
की और बधाई हुई सभी भक्तों की, सभी देवियों की और नाचने वाले भक्तों की, सभी मेहमानों की। राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे।